पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय न्यू दिल्ली सो द टॉपिक फॉर टुडे इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट बिफोर लर्नर्स बिगिन टॉपिक इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन फील फ्री टू कॉल अस ऑन डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और यू कैन ऑल्सो ई मेल एस योर क्वेरीज ऑन डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन सो द टॉपिक फॉर टुडे इज जेंडर रिलीजन एंड कास्ट सर टू बिगिन विद सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लर्नर्स नीड टू लर्न इट इन एक्सप्लेनिंग इट और हाउ कैन वी एक्सप्लेन जेंडर डिवीजन टू आर लर्नर्स ओके मैम तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैम ने कहा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर रिलीजन और कास्ट तो ऑलरेडी आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा की द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी कि हमारे सोसाइटी में कई प्रकार की डाइवर्सिटीज़ है सोशल डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी किस तरह से एक दूसरे से को रिलेटेड हैं और सोशल डिफरेंसेस भी कई चीज़ों को लेकर के हमें देखने को मिलता है और उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और आज इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल डिविज़न एंड इनक्वलिटीज़ जो हमारा समाज में डिविज़न है और उसकी वजह से किस प्रकार की इनईक्वलिटीज या समानता देखने को मिलती है या जो सोशल डिफरेंसेस हैं बेस्ड ऑन जेंडर रिलीजन एंड कास्ट उसके बारे में आज मैं आप लोगों को जो है बताने जा रहा हूँ तो प्यारे बच्चों आप जैसे देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली इस सेंस में जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पॉलिटिक्स में किस तरह का रोल है या हमारे समाज में किस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ है या जेंडर डिवीजन बेसिकली क्या होता है जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि न केवल ये अपने विद्यालय में बल्कि अपने घरों में या समाज में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सा आपको मिले होंगे जहां आप लोग पाते होंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं वर्क से हैं जिसको हम जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं कहते हैं जेंडर डिविजन कॉमनली परसीव्ड एज नेचुरल एंड ई रिवर्सिबल कि कई बार हम ऐसा मानते हैं कि जो जेंडर डिविजन है किसी भी चीज़ को मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड करना वो क्या है नेचुरल है और ई रिवर्सीबल है ई e चेंजेबल है यानी अनचेंजेबल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन कहता है सोशल एक्सपेक्टेशन एंड प्री कॉन्सेप्शन रेदर देन बायोलॉजी मैंने ये जीव विज्ञान की बजाय मैं समझता हूँ कि हमारी जो सामाजिक आपको अपेक्षाएं हैं या जो हमारे पूर्वाग्रह हैं हमारी जो संकीर्णताएं हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है जेंडर डिविजन आधारित है और इसके अंतर्गत बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी ये मान कर चल रहे होते हैं कि कुछ इस तरह के कार्य हैं जो मेल ही बेटर कर सकते हैं या कुछ कार्यों के लिए आपको फीमेल जो है वो बेटर सुटेड होते हैं जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा हम सब ने देखा भी है अपने दैनिक जीवन में या जो हमारा अब तक का अनुभव रहा कि जब कभी भी महिलाओं को कई तरह के मौके दिए गए हैं तो मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और कई क्षेत्रों में तो इवन कि पुरुषों से भी बेटर अपने आप को उन्होंने प्रूव किया हुआ है तो सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर हमने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है हम लोगों ने अगर उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया है तो मुझे लगता है कि उसके पहले जजमेंटल होना या मान लेना कि वो इसी काम को बेहतर तरीके से कर सकती हैं दूसरे कामों को वो बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकती हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो मानव आबादी है मैं समझता हूँ नियर अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन तो उसके साथ इनजस्टिस होगा तो प्यारे बच्चों आप देखें इस पिक्चर के माध्यम से जैसे एक है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और ये है परसेप्स ऑफ आइडियल वूमेन तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे अगर कोई टीवी सीरियल बना रहा है तो उन्हें लगता है कि वही महिलाएं जो हैं वो बेटर व्यूअर्स हैं उनके लिए उसी तरह से अगर मान लो कि फैशन इंडस्ट्री है तो लगता है कि आइडियल ब्यूटी है उसके लिए या फिर अगर हम लोग देखें जो हाउस वाइफ हैं जैसे हमारी सोसाइटी के लिए लगता है कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्स हैं वो महिलाएं बेहतर कर सकती हैं या एक जैसे कहते हैं कि टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉन्स जो, जो है उसके लिए लगता है कि अगर महिलाओं की जब शादी होगी या जब वो एक बहू के रूप में घर में आएंगी तो बहुत सारी चीजें वो लेकर के आएंगी या उसी तरह से एक एम्प्लॉयर के लिए लगता है कि वो एक आइडियल एम्प्लॉयी है जो एम्प्लॉयर की हर तरह की बात मानने के लिए जो है कि तैयार होती हैं या तैयार रहेंगी तो बहुत इस तरह के परसेप्शंस मैं समझता हूँ कि बहुत इस तरह की जो पूर्व धारणाएं हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्डअप कर रखा है मैं समझता बिल्कुल सर जिस तरह से आपने ये धारणाएं बताई और साथ में जेंडर इनइक्वालिटी को डिफाइन किया लेकिन कई सारे हम देखते हैं अगर हम महिलाओं की बात करें तो कई सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम देखें हम बात कर रहे हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ये हमारे देश में सबसे जिसे कहते हैं चर्चा वाला विषय है तो इसकी क्या स्थिति अब तक पहुँची है बिल्कुल बिल्कुल आ, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही वैलिड प्रश्न आपने उठाया हुआ है कि न केवल नेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि ग्लोबली जो पॉलिटिक्स है उसमें महिलाओं का क्या रिप्रेजेंटेशन है लेकिन उस बिंदु पर आने से पहले मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि महिलाएं अगर कई फील्ड्स में अगर पुरुषों से जो है कि पीछे अगर रह गई हैं तो इसकी क्या वजह है कौन कौन सी वो जहन के कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें आज जो मुकाम हासिल करना चाहिए वो नहीं अगर कर पाई है तो अगर हम लोग देखते हैं तो अभी भी क्या है अगर अपने देश में ही अगर रेट ऑफ लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें तो सेवेंटी सिक्स परसेंट रेट ऑफ लिटरेसी आपको मेल में है तो वहीं फिफ्टी फोर परसेंट है, है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन के लिए जितना एनकरेज हम मान लो कि जो है कि बॉयज को करते हैं उतना गर्ल्स को नहीं करते हैं और पिछले कई वर्षों में बिंग टीचर मुझे लगता है कि वी कैन बेटर जस्टिफाई जो है या बेटर एक्सपेक्ट

कि चाहे वो दिल्ली रीजन की बात हो चेन्नई रीजन की बात हो तो देखने को मिलता है कि अधिकतर जो टॉपर्स हैं वो लड़कियां हैं या उसी तरह से जो सिविल सर्विसेज मान लो कि मोस्ट प्रिस्टिजियस जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी लड़कियों ने लड़कों से काफ़ी बेटर जो है परफॉर्म किया हुआ है तो मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने की बात है उसी तरह से देखा जाता है कि अगर मान लो किसी भी फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम कम है और दोनों मैंने लड़के लड़कियाँ दोनों हैं फैमिली में और अगर दोनों को बेटर एजुकेशन देने की अगर बात होती है और लगता है भी नहीं हमारी अफोर्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम दोनों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकें तो वहां पर भी देखा गया है कि लड़कों को मौके दिए जाए तो मुझे लगता है, कि दे दे जो है उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो हमारे देश में या दुनिया में भी जितने भी हाईली पेड जॉब्स हैं तो वहां पे अधिकतर जो है आपको मेल को ही देखने को मैंने जॉब मिलती है फीमेल को कम दिया जाता है अब 1976 में हमारे देश में इक्वल 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 जो जो है या इक्वल इक्वल वर्क जो है फॉर वर्क वो कानून बना दिया गया लेकिन आज भी हम लोग क्या देखते हैं कि तमाम जगहों पे जहाँ कहीं भी महिलाएं काम करती हैं तो अधिकांश जगहों पे पुरुषों की तुलना में उनको कम जो है ना पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि जो नेचर ऑफ वर्क है दोनों का मोर वोलेस एक जैसा होता है बावजूद इसके उसी तरह से कई परिवारों में आपने देखा होगा कि आपको जो है ना गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो है ये आपको मेल चाइल्ड को ज्यादा जो है प्रिफरेंस दिया जाता है और लगता है लोगों को कि भाई जब तक परिवार में लड़के नहीं होंगे तब तक वो बंद से आगे नहीं बढ़ेगा या जो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा बेटर तरीके से जबकि मैं समझता हूँ कि ये निहायत ही गलत धारणा है हम लोगों की या समाज की जो है हमने देखा है कि जब कभी भी कहीं भी मौका मिला है महिलाओं को तो उन्होंने अपने आप को हमेशा हमारी और पूरे समाज की जो उम्मीदें हैं उससे बेहतर जो है उन्होंने खुद को साबित किया हुआ है उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कि धीरे धीरे जो सेक्स रेशियो है कि पर थाउजेंड मेल के कंपैरिजन में अगर हम देखें जो फीमेल की संख्या है वो लगातार घट रही है वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है उसी तरह से बहुत सारे जो वर्किंग मान लो कि प्लेसेस हैं वहाँ उस तरह के मैंने महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ कई इस तरह की घटनाएँ घट जाती हैं जो कायदे से नहीं घटनी चाहिए किसी भी जो है ना आपको सभी समाज में उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए वो शोभा नहीं देती हैं या कई बार आपने देखा होगा कि जैसे निर्भया कांड है वो न जाने इस तरह के अश्रद्धा कांड अभी रिसेंटली हम लोगों को देखने मिला है कई इस तरह की और भी घटनाएं देश और दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलती हैं अफगानिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ महिलाओं के लिए बाहर जाकर काम करना या स्कूल कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त करना उसके ऊपर कई तरह के सोशल कॉन्स्ट्रेंट जो है पोज किए गए हैं जो मैं समझता हूं कि कई कही, कहीं से भी उसको उचित नहीं कहा जा सकता है तो जो बात मैं एक महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे डिसएडवाटेजेज हैं महिलाओं को और आज भी परिवार में समाज में उनको फेस करना पड़ता है तो मेल के कंपैरिजन में उनके सामने चैलेंजेज कहीं अधिक हैं और बावजूद उनके चाहे वो इस्पोर्ट का फील्ड हो या आप देखें कि मान लो कि पॉलिटिक्स का फील्ड हो लिटरेचर का फील्ड हो साइंस का हो मेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में जहाँ कहीं भी उन लोगों को मौका मिला है तो हमेशा उन लोगों ने अपने आप को महिलाओं ने बेहतर साबित किया है अब बात आती है कि अगर हम लोग देखें जैसे इस डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल मेल और फीमेल में जो है अभी भी बहुत बड़ा गैप है अगर हम लोग रेट ऑफ लिटरेसी की बात करें या उसी तरह से अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अगर देखें तो पिछले जो है ना दो दशक में जो है आपको कई इनिशिएटिव्स भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा लिए गए हैं जिसकी वजह से थोड़ी जो है ना ये जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो बेटर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत संतोषजनक है ऐसा नहीं कहा जा सकता इस दिशा में और भी बहुत अधिक काम करने की आगे भी जो है आपको जरूरत है तो देखा होगा कि बहुत से ऐसे मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं जो ऐसा मानते हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं कि चाहे आपको मेल हो या फीमेल हो दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए और तब और तभी हमारा समाज बेहतर हो सकता है क्योंकि हमारे अगर देश की बात करें राज्यों की बात करें तो लगभग 50 परसेंट जो है या 49 परसेंट आबादी महिलाओं की है तो जब तक उस बड़े समूह को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी उनके साथ समानता पूर्वक बर्ताव नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर सकती हैं और न ही मुझे लगता है कि बेहतर समाज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं जैसे कहा जाता है ना कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन तो कितनी एक महत्वपूर्ण बात है या कई बार होता है कहते हैं कि नारिय तू यत्र पूज्यंत रमनते तत्र देवता कि भाई जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान का वास होता है लेकिन कई बार होता है कि ये सारी बातें सैद्धांतिक तौर पर ही रह जाती हैं निजी जीवन में व्यवहारिक जीवन में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छी बातें हैं खास करके महिलाओं के बारे में जो हमारी सोच है तो उसको व्यवहार में भी परिणत करने की हमें ज़रूरत है और देखें कि देश और दुनिया में बहुत सारे हैं जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हैं वो लगातार है चलाए जा रहे हैं चाहे वो वुमेन की लिबरेशन को लेकर के हो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के हो या इक्वल पे को लेकर के हो या वुमेन्स सफरेज की हम लोग बात करें सेक्सुअल हरासमेंट है या इक्वेलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ है तो इस तरह के बहुत सारे जो मूवमेंट हैं देश और दुनिया में कंटिन्यूस चलाए जा रहे हैं और इसकी परिणति इस रूप में हुई है कि बहुत सारे नए नए कानून बने हैं और महिलाओं की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में आज पहले के में की तुलना में मैं समझता हूँ कि बेहतर हुई है लेकिन अभी भी हमें जो है ना कहते हैं मीलों चलना है हमें अभी और कई एक जो है ना मंजिल आगे भी जो है ना तय करनी है आप देखें कि जैसे है आपने जो अभी प्रश्न थोड़ी देर पहले कहा था कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स तो कई बार क्या होता है कि न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में भी अगर देखें तो राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत अधिक सेटिस्फैक्ट्री बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है कहते हैं ग्लोबली 19 परसेंट कि 19 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है अगर हम लोग राजनीति में बात करें मैंने वैश्विक लेवल पर ग्लोबल लेवल पर और अगर हम लोग अपने देश में विशेष करके अगर हम लोग लोकसभा राज्यसभा की बात अगर करें तो वहाँ दस जो है, है ठीक और अगर हम लोग जो है स्टेट लेजिस्लेचर की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की अगर बात करें तो वहाँ पाते हैं कि महज पाँच परसेंट उनका जो है प्रतिनिधित्व है ठीक आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो पंचायत हैं या म्यूनसिपैल्टीज हैं जो लोकल बॉडीज हैं है, वहाँ महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया है, गया है तो कुल मिलाकर के पंचायतों में आज पूरे देश में दस लाख के करीब महिलाएं काम कर रही है और ऐसा पाया गया है कि जब कभी भी उन लोगों को मौके मिले हैं तो उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है अब होता क्या है कि जितने भी मान लो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं चाहे वह लोकसभा हो राज्यसभा हो विधानसभा हो या लोकल मान लो कि बॉडीज हैं वहां पे अगर महिलाओं को मौके मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि जो वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको वो बेटर एड्रेस कर सकती हैं और देश और दुनिया का समाज का ध्यान भी उस ओर आकर्षित कर सकती हैं कानून में कई तरह के वो बदलाव ला सकती हैं उनके खुद के जीवन में भी बदलाव आएगा उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं बढ़ेगा और मुझे लगता है कि एक बैटर जो है ना रिकॉग्निशन फैमिली में सोसाइटी में उन्हें मिलेगी जिनकी वो हकदार हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है अब देखें एक जो अच्छी बात मुझे लगता है बहुत ज्यादा संतोषजनक तो स्थिति नहीं है जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा लेकिन हमने देखा है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में महिलाओं की स्थिति पहले के कंपैरिजन में नहीं जो वुमेंस रिप्रेजेंटेशन है मैंने स्पेशली इसमें तो लोकसभा में थोड़ी सी बेहतर हुई है आप देखें तो जैसे हमने कहा कि ओवरऑल जो है अब तक हमारा जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है लोकसभा में वो रहा है टेन परसेंट या बिलो टेन परसेंट लेकिन टू थाउजेंड फोर्टीन का जो मान लो कि लोकसभा का चुनाव था उसमें वो बढ़ करके के एलेवन पॉइंट नाइन हो गया और उसी तरह से जो नेक्स्ट है आपको टू थाउजेंड का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें पहली बार कहते सेवेंटी एट महिलाएँ चुन करके लोकसभा में आई और ओवरऑल जो ट्वेल्व परसेंट है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप देखें तो ये एक बड़ा जंप है और महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से जो है ना कि सुधार होगा और आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विभिन्न राज्यों के जो है ना मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है हालांकि एक जो जेनुन डिमांड है महिलाओं की कि लोकसभा राज्यसभा में एक तिहाई सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हों और लंबे समय से उनकी यह मांग लंबित है और मुझे लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे वह नेशनल लेवल की पार्टीज हों या फिर स्टेट लेवल की पार्टीज हो उनके बीच में इस बात को लेकर कहीं, कहीं ये, ये अपॉर्चुनिटीज अपने -अपने तो मिलेंगी तो कहीं हमारा महत्व जो है कम ना हो जाए लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो वो एक जो बड़ी आबादी है मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें एक तिहाई जो है ना आरक्षण निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में और उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो भी बाहर निकल करके आएगा और मैं समझता हूँ कि उससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी समाज को उससे व्यापक जो है ना लाभ होगा तो इसकी वही हमने देखा कि 1952 में जो ट्रेंड था वो अब 2019 को देखें तो एक काफी अच्छा जंप लिया है अगर हम हाँ। हाँ महिलाओं की स्थिति राजनीति में बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल आज भी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं या कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन महिला लंबे समय तक रही हैं कई राज्यों में जैसे अभी आप देखें तो वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर जो है या और भी कई राज्यों में महिलाओं को मौके मिले और उन्होंने काफ़ी बेहतर जो है कि काम किया है यहाँ तो सभी का नाम गिनाना मैं समझता हूँ ना तो मुनासिब होगा और नहीं इतना हमारे आपके पास वक्त तो होता है लेकिन कुल मिलाकर के इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब जब उन लोगों को मौका मिला है तो उन लोगों ने अपने आप को हमेशा बेहतर साबित जो है किया है या जो भी अपेक्षाएँ उनसे की जाती हैं उनसे कहीं आगे बढ़ करके कहीं मुझे लगता है कि बेहतर उन्होंने जो है ना करके दिखाया सर है ये राजनीति ही नहीं लेकिन अन्य जिसे कहते हैं कि अन्य अन्य सेक्टर्स में में भी में भी कंपनीज महिलाओं का जो रोल है वो बदलता हमने देखा है हाँ। उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हाँ, बिल्कुल मैं, मैंने कहा कि जैसे आप देखें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की बात हो हेल्थ सर्विसेज की बात हो या फिर बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग की बात हो या तमाम इस तरह के फील्ड हमने कहा कि चाहे वो मेडिकल मान लो कि फील्ड की बात हो इंजीनियरिंग की हो साइंस टेक्नोलॉजी की हो तो मैं देख रहा हूं कि जहां कहीं भी महिलाओं को मौके मिले हैं तो हमेशा उन्होंने जो है अपने आप को साबित किया है और बहुत बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहा है और कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि इवन की पुरुषों से भी बेहतर उन्होंने काम किया हुआ है तो धीरे धीरे जो समाज की सोच है वो बदल रही है लग रहा है कि नहीं कि उन्हें भी वो मौके दिए जाने चाहिए जो मौके अब तक सिर्फ पुरुषों को मिलते रहे हैं या फिर हमने मान लो कि जैसे ये मान लिया पहले से ही बगैर मौके दिए हुए कि फला काम को पुरुष बेहतर कर सकते हैं महिलाएं बेहतर नहीं कर सकती हैं तो इस तरह की जो सोच है वो बदल रही है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी परिवार में मान लो कि किसी जो आपको पेयर अगर एक या दो लड़की है मान लो कि तो वो जो है ना परिवार की संख्या को बढ़ाते थे लड़की की चाहत में मैं अपने बहुत से ऐसे मित्रों को जानता हूँ जिनके एक लड़की या दो लड़कियाँ हैं और आगे उन्होंने फैमिली बढ़ाने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा और उन्हें लगा कि नहीं बने लड़कियां जो है बेहतर कर सकती हैं और मुझे इस पर गुमान होना चाहिए और मुझे है तो धीरे धीरे अब मैंने लोगों में जैसे जैसे कह रहे कि रेट ऑफ लिटरेसी बढ़ रही है वो समाज में बदला है उसी के कारण जो है महिला को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिल रहा है और मैं वही कह रहा हूं, तो इसकी वजह से क्योंकि हर जगह चाहे मैं स्पोर्ट्स की बात हो या हमने कहा कि कल्चर की बात हो या लिटरेचर की बात हो साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो तो चूंकि हर जगह पे महिलाओं ने काफी बेहतर काम किया है इससे महिलाओं का विश्वास अपने ऊपर बढ़ा है और साथ ही साथ समाज का भी उनके प्रति जो नजरिया है उन महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें भी बदलाव आया है हालांकि यह काफ़ी है जो है ना मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है अभी भी और उनके प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और अधिक अपॉर्चुनिटीज उन्हें देने की ज़रूरत है लेकिन है। इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धीरे धीरे समाज का परसेप्शन है एक जो स्टोरियो टाइप थिंकिंग होती थी ना एक बनी बनाई धारणा है एक संकीर्ण सोच होता है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों के लिए ही होती हैं कि जैसे मान लो जो भी डोमेस्टिक वर्स हैं या बच्चे पालना जो है घर घरेलू काम करना या कपड़े धोना सिलाई कढ़ाई का काम करना अब जो है वहाँ तक लोगों की सोच नहीं रह गई है उससे भी लोगों की सोच ऊपर जा रही है और ये अपने घर में लड़कियों को जो है लड़कों के बराबर महत्व तो दे रहे हैं उन्हें भी जो है ना हायर एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की जा रही है कल हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा टॉपिक जेंडर यहीं पर था यहाँ तक था लेकिन अब हम बात करते हैं रिलीजन की सर कम्युनलिज्म को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आ, बिल्कुल मैं समझता हूँ यह भी एक बहुत ही बेहतर जो है विषय है और ये जो है आपको पाठ का एक हमारा इम्पोर्टेंट जो है सब टॉपिक है रिलीजन जो है उसका पॉलिटिक्स में किस तरह से इस्तेमाल होता है या उसको लेकर के लोगों की क्या सोच है तो आमतौर पर कहा जाता है कि धार इति धर्म जो धारण करने योग्य है वही धर्म है अगर एक सामान्य उसकी परिभाषा अगर उसको हम लोग एक सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें और इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा श्लोक है मैं यहाँ चाहूंगा कहते हैं कि धृति क्षमा दमो स्टेयंग शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षण अब इसका क्या अर्थ हुआ धृति यानी धैर्य ठीक है क्षमा अगर किसी ने कोई गलत काम किया है कोई अपराध किया है तो उसको माफ करना दम मतलब होता है ये अपने वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना और अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना शौच मतलब होता है यहाँ पे है क्या कि जो आंतरिक या बाह्य शुचिता है जो शुद्धि है जो प्यूरिटी है उसको मेंटेन रखना और इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों पर काबू रखना उसको नियंत्रण में रखना धी का मतलब होता है ये अपने बुद्धि का अपने विवेक का अपने रीजनिंग पावर का इस्तेमाल करना और विद्या से अभिप्राय है कि निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा होनी चाहिए कि उत्तरोत्तर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं सत्यम मन वचन और कर्म से सत्य का पालन हम करें और कहते हैं हो, मतलब होता है क्रोध नहीं करना तो दस कम धर्म लक्षण कि ये दस धर्म के लक्षण होते हैं तो क्या-क्या हो -क्या हो गया गया धृति मतलब धैर्य का धारण करना दूसरा क्षमा अगर किसी ने कोई अपराध किया है कोई गलती की है तो उसको माफ कर देना दमो मतलब हो गया कि जो भी वासनाएं हैं उसके ऊपर नियंत्रण रखना चोरी नहीं करना और कहते आंतरिक और बाह्य सुचिता पे जोर देना अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ठीक है अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना निरंतर ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करना मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करना क्रोध नहीं करना ये धर्म के दस लक्षण हैं अब आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं कुल मिलाकर के सबका निचोड़ यही है कोई भी धर्म किसी व्यक्ति किसी समूह को गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहता है वो तो धर्म के जो तथा कथित ठेकेदार हैं वो मुझे लगता है कि उसकी गलत जो है ना व्याख्या करते हैं जिसका समाज पे कई बार देखते हैं कि दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है तो अब अगर देखें कि ठीक है हमारे अपने ही देश की अगर बात करें तो यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी के लोग रहते हैं यहाँ जैसे मान लो कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं इस्लाम को मानने वाले हैं या यहाँ पे बौद्ध धर्म जैन धर्म है या पारसी है विभिन्न धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं तो जिस अच्छा दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे देश में क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम है किस धर्म को मानना है किसके अनुरूप हमें जो है व्यवहार करना है या पूजा पाठ की जो पद्धति है वो हमारी अपनी यानी धर्म क्या है एक मसला है इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो यहां तक तो बात ठीक है लेकिन जब कभी भी हमें ऐसा लगने लगे कि हमारा धर्म अन्य धर्मों से सुपेरियर है दूसरा धर्म इंफेरियर है हमें अपने धर्म को स्टेब्लिश करना चाहिए दूसरे धर्म को या उस धर्म के मानने वाले लोगों को सप्रेस करना चाहिए तो जब कभी भी इस तरह की भावना जन्म लेती है लोगों में तो देखा जाता है कि वहाँ पे जो है क्या होता है सांप्रदायिकता यानी कहीं न कहीं जो है अपने धर्म को ऊपर रखने की जो सोच है वो जो है समाज को गलत दिशा में ले जाती है हमने ये तो एक कारण कारण हुआ लेकिन हम अगर बात करें कम्युनलिज्म के और क्या सामने आए हैं हाँ निश्चित रूप से आगे उसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर ऑलरेडी हमारे देश का विभाजन हो चुका है भारत और पाकिस्तान दो जो है ना वो संप्रदाय के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ और आज भी हम लोग देखते हैं कि कई बार इस तरह की चीज़ें जो है ना समाज में देखने को मिलती है कि अपने धर्म को हम अन्य धर्मों से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं आप या मान लो कि मैं किसी भी धर्म ए, का जो जैसे कहते हैं कि किसी धर्म में हमारी आस्था हो सकती है तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए तो कहते हैं डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो किसी धर्म विशेष की बात करती हैं या कई बार होता है कि जैसे चुनाव का समय आता है तो वो अपने जो है ना समुदाय के लोगों को मतलब एड्रेस करते हैं कि अगर आप सच्चे जो है ना इस धर्म के अनुयायी हैं तो इसी पार्टी को या आप वोट करेंगे तो धर्म के आधार पे जो पोलराइजेशन होता है मैं समझता हूँ कि वो गलत है जो है आप अगर देखें जैसे महात्मा अच्छा एक चीज़ और भी है कई लोगों का मानना है हमारे देश में कि भाई धर्म और राजनीति का आपस में कोई घालमेल नहीं हो सकता है नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखें कि महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आई डोंट एक्सेप्ट पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन कि बिना धर्म के राजनीति को मैं स्वीकार नहीं करता हूं द पॉलिटी इज अ कथे सर्वेंट ऑफ रिलीजन एंड अ पॉलिटी विदाउट रिलीजन लीड्स टू डूम एज इट किल्स वनस सोल अगर कोई पॉलिटिक्स है जिसमें धर्म के आधार पर नहीं है अगर तो वो क्या करता है कि व्यक्ति की आत्मा को ही खत्म कर देता है लेकिन यहाँ उनका हिंदू धर्म या इस्लाम से या किसी अन्य धर्म से ईसाई धर्म से नहीं था यहाँ इसका उनका जो मानना था महात्मा गांधी का कि हर एक धर्म के कुछ न कुछ जो है मॉरल वैल्यूज होते हैं कुछ न कुछ एथिक्स होते हैं और पॉलिटिक्स में उन सभी धर्मों के एथिक्स को शामिल करने की जरूरत है जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा था कि जो धर्म के दस लक्षण जैसे हमने बताए थे तो मोर और लेस वो सभी धर्मों का निचोड़ है तो पॉलिटिक्स में भी अगर हम विभिन्न धर्मों की निचोड़ को उनके एथिक्स को उनकी वैल्यूज़ को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो मैं समझता हूँ जिस हम लोग राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं जो शुद्धता की बात हम लोग करते हैं वो बेहतर रूप में हमें आपको दिखाई देंगी जो है आप अगर देखें तो जैसे कि आपने पूछा ना कि भाई कि क्या इसका कारण है तो जैसे अगर देखें कि कॉम्युनिज्म में क्या होता है कि वे बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड सुपेरियर टू दोज ऑफ अदर तो सांप्रदायिकता की भावना जन्म तब लेती है जब हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों से सुपेरियर है या कहते हैं कि वेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म इन ऑपोजिशन टू अनादर एक मैंने धर्म के विरुद्ध में दूसरे धर्म का जो है ना रिलीजियस ग्रुप है वो कई तरह के डिमांड करता है या कहता है वेन स्टेट पावर इज यूज टू इस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट कि अन्य धर्मों की तुलना में अगर किसी एक धर्म की सत्ता को उसके प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश अगर मान लो राज्य सत्ता के द्वारा की जाती है तो कहीं ना कहीं इससे समाज में जो है न एक तरह से भेद उत्पन्न होता है और सांप्रदायिकता का जन्म होता है अब सवाल उठता है कि इसके क्या क्या कारण्स रहे हैं तो अगर हम लोग देखें तो है कि लंबे समय तक हम लोग अंग्रेजों की जो है कि गुलामी में रहे हैं और उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल तो ये कहीं ना कहीं जो है ना हमारे जो है रोगों में बहुत सारी चीज़ें वो तब भी हैं उसी तरह से देखा होगा कि डिसपॉइंटमेंट एंड कहते हैं अफेक्शन अमोंग यंग एंड एस्पायरिंग मिडिल क्लास यूथ कई बार जैसे देखा होगा कि बहुत जो हमारे युवा वर्ग हैं जो महत्वाकांक्षी वर्ग हैं उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो कई बार जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको वो गलत दिशा में ले जाते हैं तरीके से धर्म की वो करते हैं या से है। रोकने के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन हमारा चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है हम चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को जो है सिंपल और शॉर्ट टर्म्स में इसके एक्सप्लेन करें कि स्टूडेंट अपना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कहीं से भी मिस ना करें अच्छा तो प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि कुछ स्लाइड्स हैं आप देखें तो हमने कहा कि सांप्रदायिकता के ऊपर बहुत अधिक चर्चा हो गई तो हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्हें इस बात की जानकारी थी काफ़ी पहले से ही तो इसलिए आज़ादी के बाद जब हमारे देश का संविधान बना तो हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया यानी सभी धर्मों के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है ये समान होगा और किस धर्म को मानना है या नहीं मानना है किस तरह से हमें आचरण करना है धार्मिक मामलों में ये कंप्लीटली जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है राज्य की तरफ से कहीं कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाएगा और लास्ट है होम असाइनमेंट का एक स्लाइड है जो है तो आप निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इसका पिक लेकर के रख लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें बहुत सारी बातें जैसे कास्ट की चर्चा नहीं हो सकी है ये एक बड़ा विषय है तो नेक्स्ट जो है ना सेशन में जब कभी भी इस चैप्टर के बारे में मैं जो है डिस्कस करूंगा तो बाकी चीजें जो आज रह गई हैं अगली कक्षा में निश्चित रूप से जो है ना पूरा करने की कोशिश होगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैप्टर में कुछ मिस किया हो तो आप घबराइए मत इसे हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं एनसीआर ऑफिशियल YouTube चैनल पर इसे हम थोड़ी ही देर में अपलोड कर देंगे आप कुछ मिस नहीं करेंगे और स्टूडेंट्स अभी फिलहाल कहीं मत जाइएगा हम मिलेंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर नमस्कार, नमस्कार।